हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे चैनल जी एस आर बजरंग में। दोस्तों अभी हमारे चैनल पर ADC कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने कंप्यूटर कोर्स के काफ़ी सारे वीडियो बना दी थी, आपने नहीं देखी, आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल पर जाना होगा। चैनल पे जाने के बाद आपको सिंपली वहाँ पे दिखाई देगा प्लेलिस्ट, आप सिंपली उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करना ADC कंप्यूटर कोर्स। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जितनी मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स की वीडियो बनाई, जितनी मैंने टेली कोर्स की वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपको वहाँ पे सारे मिल जाएंगे, आप सिंपली जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने कंप्यूटर कोर्स के नोट्स वगैरह, टेली कोर्स के नोट्स वगैरह डाउनलोड नहीं किया, आप डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। आपको सिंपली गूगल में टाइप करना www.gsrbajrang17.com, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे PDF सेक्शन में जाके आप सिंपली कंप्यूटर कोर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेली कोर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप साथ में कंप्यूटर कोर्स के ऑब्जेक्ट टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप सिंपली वहां पे जाकर लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं आपने अभी तक हमें कंप्यूटर कोर्स में कितना सीखा है। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, जाइए और सारी चीजें यहां पे सीखिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पेज मेकर में, दोस्तों आज हम देखेंगे व्यू मेन्यू के सभी ऑप्शन के बारे में। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राहुल कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GSR बजरंग में। दोस्तों चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में बेल आइकन बाकी ऑल पर क्लिक कर ले ताकि ऐसी और वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं बिल्कुल डिटेल्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, दोस्तों आज हम देखेंगे पेज मेकर में विंडो मेन्यू के सभी ऑप्शन के बारे में। तो आइए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे विंडो मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो सबसे पहले मेरे सामने ऑप्शन आता है अरेंज आइकन। अब देखो अरेंज आइकन का मतलब क्या होता है, यदि मान लो आप पेज मेकर को पूरी स्क्रीन पर फिट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हो टाइल। अब देखो ये क्या होता है, यदि मान लो आपने हमें पेज मेकर में जितने भी आपने हमें पेज ओपन करके रखे हुए हैं, यदि आप उनको एक साथ देखना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सिंपली यहां पे कंट्रोल एन से यहां पे 3-4 पेज को ओपन कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पे कंट्रोल एन किया और यहां पे एंटर कर दिया, इस तरीके से देख सकते हैं, एंटर कर दिया, एक पेज आ चुका, कंट्रोल एन किया एंटर कर दिया, कंट्रोल एन किया एंटर कर दिया, कंट्रोल एन किया एंटर कर दिया, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3-4 पेज ओपन करके रखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँ, सिंपली विंडो मेन्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा टाइल के ऊपर। जैसे मैं टाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, देख सकते मेरे सामने जितने भी पेज ओपन होंगे, जितने भी पेज मैंने लिए थे, देख सकते मेरे सामने आ चुके, देख सकते 1, 2, 3, 4, 5 पेज मेरे सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आसानी से देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे कितने पेज लिए हुए हैं, ठीक है, और आप सिंपली यहाँ से कट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा इस ऑप्शन का यूज क्या होता है। दोस्तों इसके बाद विंडो मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैस्केड। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे पेज मेकर में जितनी भी आपने पेज मेकर में विंडो ओपन करके रखी हैं, यदि आप उनको एक साथ देखना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे 2-4 विंडो ओपन कर लेता हूँ पेज मेकर की, ठीक है। तो पेज मेकर की विंडो ओपन करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे कंट्रोल एन कर दूंगा इस तरीके से और यहाँ पे एंटर करता जाऊँगा इस तरीके से, ठीक है, एंटर कर दूंगा, कंट्रोल एन एंटर, कंट्रोल एन एंटर, कंट्रोल एन एंटर, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे विंडो के ऊपर क्लिक करना, इसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना कैस्केड के ऊपर इस तरीके से, जिसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँ देख सकते हैं जितनी भी मैंने यहाँ पे पेज मेकर विंडो ओपन की थी, देख सकते मेरे सामने आ चुके, देख सकते 1, 2 आप देख सकते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से, आप इनको डिलीट करना चाहें, उठाना चाहें तो आप आसानी से इसको उठा भी सकते हैं। दोस्तों आपके समझ में आ गया हो इस ऑप्शन का यूज क्या होता है। दोस्तों इसके बाद मैं अभी विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है, देख सकते हैं हाइड टूल। अब देखो हाइड टूल का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे आपका जो पेज मेकर है, पेज मेकर में आपके टूल होते हैं, देख सकते हैं टूल बॉक्स आपका ये वाला है, ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते मैंने इसको इधर उधर मूव भी मैंने कर रखा है, देख सकते इस तरीके से, ठीक है। यदि आप इस टूल बॉक्स को हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, विंडो के ऊपर क्लिक करना और आपको सिंपली क्लिक करना हाइड टूल के ऊपर। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से मेरा टूल यहाँ पे हाइड हो चुका, छुप चुका है। इसको वापस लाने के लिए आपको दोबारा से हम विंडो के ऊपर क्लिक करना और आप कहाँ पे क्लिक करना, शो टूल के ऊपर, तो ये वापस आ जाएगा। दोस्तों आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो कंट्रोल प्लेट। अब देखो ये क्या होता है, इसके ऊपर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देख सकते मेरे सामने इस तरीके से आ जाएगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं यहाँ पे नीचे ऊपर भी यहाँ पे इस तरीके से रख सकता हूँ, देख सकते मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है कि आप सिंपली इसको यहाँ पे शो भी करा सकते हो और यहाँ पे आप कोई
कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से, जैसे मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दे, देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया, तो आपको बता देगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कितनी इंच का है, कैसे क्या है, सारा कुछ यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसका यूज कर सकते हैं आसानी से। देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे इसको बनाया, देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे प्रॉपर तरीके से इसने बता दिया कितने इंच का, देख सकते हैं 6.172 इंच, देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों इस तरीके से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद विंडो के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं हाइड कलर। अब देखो हाइड कलर क्या होता है, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे अभी आप कलर देख सकते हैं, अभी मेरे पास एक कलर का बॉक्स है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो इस तरीके से। ठीक है, यदि आप इसको छुपाना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आप इसको हाइड करना चाहते हैं, सिंपली आप विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको क्लिक करना हाइड टूल के ऊपर, टूल के ऊपर नहीं, टूल तो हमने यहाँ पर कर रखे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करना हाइड कलर के ऊपर। जैसे मैं हाइड कलर के ऊपर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं मेरे यहाँ पर कलर था, यहाँ से कलर का मेरे यहाँ पर लेयर जा चुका है। यदि आप इसको दोबारा लेना चाहते हैं, आपको दोबारा से विंडो के ऊपर क्लिक करना और आपको यहाँ पे क्लिक करना शो कलर के ऊपर, तो आपके दोबारा से यहाँ पे शो हो जाएंगे। दोस्तों आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसकी जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है वो होती है, देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा हाइड कलर की, आपकी कंट्रोल जे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे शो स्टाइल। अब देखो शो स्टाइल आपके क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो भी आपकी शो स्टाइल है ना, ये आपकी टेक्स्ट पर काम करेगी, जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे ना उस पर ये प्रॉपर तरीके से काम करेगी। अब कैसे काम करेगी, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ पहले, ठीक है, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, इसका थोड़ा साइज कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा बड़ा, इसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से समझ में तब भी आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं मैंने इसका साइज कर लिया बड़ा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ राहुल और कुमार, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, राठौर, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट, इसके बाद मैं विंडो के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करना शो स्टाइल के ऊपर इस तरीके से। जैसे मैं शो स्टाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं मेरे सामने एक लेयर आ जाएगा इस तरीके से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इसकी स्टाइल मिल जाएंगी, देख सकते हैं हेडिंग में आपको मिल जाएगी, हेडिंग में करना चाहते हैं, सब हेडिंग में करना चाहते हैं, या हम सिंपली आप कैप्शन में देना चाहते हैं, या सिंपली बॉडी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी आपके यहाँ पे स्टाइल मिल जाएंगी, जो भी आप यहाँ पे स्टाइल देना चाहते हैं वो आसानी से आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद सिंपली विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो मास्टर पेज। अब देखो शो मास्टर पेज आपका होता क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं हमारा मास्टर पेज होता कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप कहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा हो लेफ्ट साइड में, देख सकते हैं इस तरीके से एल आर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं मास्टर पेज। ठीक है, यदि आप इसको शो या हाइड करना चाहते हो, सिंपली आपको क्या करना, विंडो के ऊपर क्लिक करना और आप कहाँ पर क्लिक करना इस तरीके से, देख सकते हैं शो मास्टर पेज, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे शो मास्टर पेज इस तरीके से लेयर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर तरीके से, देख सकते हैं मेरे सामने आ चुका है एल आर, आप यहाँ पे देख सकते हैं एल आर डॉक्यूमेंट मास्टर। ठीक है, यदि आप इसको यहाँ पे हटाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके समझ में आ गया वो शो मास्टर पेज हमारा कौन सा होता है। ठीक है, जैसे मैं इस पेज पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ इस पर और मैं क्लिक करता हूँ शो मास्टर पेज, देख सकते हैं तो मेरे सामने इस तरीके से आ जाता है अप्लाई मास्टर पेज। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मास्टर पेज हमारा होता कौन सा है आप देख भी सकते हैं। और आप सिंपली यदि आप दूसरा मास्टर पेज बनाना चाहते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, देख सकते हैं मेरे सामने आ भी चुका, देख सकते हैं मास्टर पेज, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे मास्टर पेज आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं, मार्जिन कितनी देना चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम में कितना रखना चाहते हैं, कॉलम आप कितने रखना चाहते हैं मास्टर पेज में, और इस तरीके से आप बना करके ओके करते हैं तो आपका एक मास्टर पेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया हो प्रॉपर तरीके से मास्टर पेज हमारा होता क्या है और कैसे काम करता है और कैसे हम बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में बेल आइकन वाले ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि ऐसी और वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।